यूपी के बलिया में एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से उसके गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ के 2.5 लाख रुपए भुगतान करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक को 10,000 रुपए का रिश्वत लेना महंगा पड़ गया। एंटी करप्शन टीम वाराणसी ने लिपिक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक के खिलाफ 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एंटी करप्शन टीम की माने तो इनकी संपत्तियों की जांच की जाएगी। इन्होंने 35 से 40 लोगों का बिल बनाया था, इनकी प्रीपेड जांच भी कराई थी। ये रिश्वतखोर किस्म के व्यक्ति हैं, इनसे पूरा विभाग त्रस्त है। कुर्सी पर बैठकर फाइल के पन्नों को पलटते हुए तस्वीर में दिख रहा यह व्यक्ति खटक बहादुर है, जो बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात है। लिपिक खड़क बहादुर ने इंटर कॉलेज ताजपुर मुडियारी से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी राजेश कुमार पांडे से उसके 2.5 लाख रुपए के जीपीएफ के भुगतान के लिए 10,000 रुपए रिश्वत की मांग कर दिया। राजेश ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए इतना पैसा देने में अपनी लाचारी बताई तो मामला 2,000 रुपए में तय हो गया। राजेश ने लिपिक खड़क बहादुर द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत एंटी करप्शन टीम वाराणसी से कर दी। एंटी करप्शन टीम में राजेश को पाउडर लगा 2,000 रुपए लिपिक खटक बहादुर को देने के लिए दे दिया। जैसे ही खटक बहादुर ने रुपए हाथ में लिए, टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन टीम की माने तो राजेश कुमार पांडे ताजपुर मुंडियारी इंटर कॉलेज में 4th क्लास कर्मचारी है। इन्होंने 2.5 लाख रुपए का जीपीएफ लेने के लिए डीआईओएस ऑफिस भेजा था। वह जेडी ऑफिस आजमगढ़ के यहां से मंजूर होकर आ गया, लेकिन ये जो खटक बहादुर पकड़े गए हैं, क्लर्क हैं, इन्होंने 10,000 रुपए की मांग की। इसने अपनी बीमारी का हवाला देकर 2,000 रुपए में तय किया। एंटी करप्शन टीम के पास ये बनारस गए तो हम लोग इनको लेकर के आए हैं। एक ये राजकुमार पांडे जी हैं, राजेश कुमार पांडे जी हैं, ये 4th क्लास में है। कौन से इंटर कॉलेज है? ताजपुर वहाँ पे है। इन्होंने 2.5 लाख रुपया अपना जीपीएफ से लेने के लिए ये डीआरएस ऑफिस भेजा, जो जेडी आजमगढ़ के यहाँ से मंजूर होके आ गया है। लेकिन ये खड़क बहादुर जो पकड़े गए हैं, ये क्लर्क हैं, खड़क बहादुर खड़वार हैं, इन्होंने इनसे 10,000 रुपए की मांग किया। तो इन्होंने अपने बीमारी वगैरह का हवाला दे के इनसे अंदर भी नहीं किया, 2,000 में तय किया। एंटी करप्शन टीम ये बनारस गए, हम लोग इनको ले के आए, सलाप्तलीन पाउडर लगा करके इनको दिए, ये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। डीएम साहब के गवाह हमारे हैं, दो उनके ये वर्मा जी हैं और प्रजापति जी हैं, इन लोगों के सामने ये लेते हुए पकड़े गए, इनका हाथ धुलाया गया, हाथ रंगीन हो गया। इनके खिलाफ 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत हो रहा है, कोतवाली में दाखिल होंगे इनकी संपत्तियों। सर कितने लोग पकड़े गए? एक लोग पकड़े गए हैं, अभी इसमें जाँच होगी। जो इनका कहना है कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ जिसकी वजह से विलम्ब हुआ, इसमें जांच होगी। 35-40 आदमियों की इन्होंने बिल बनाया है और किसी का इन्होंने अभी तक बरामद नहीं किया। सर ये कहाँ कार्यरत है? ये कार्यरत है, ये जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया के यहाँ ये कार्यरत है और वरिष्ठ लिपिक के पद पर है। और प्रीटेप जाँच भी की गई थी, हमारे इंस्पेक्टर साहब ने किया था। ये बहुत रिश्वत खोर किस्म के आदमी है, इनसे पूरा विभाग त्रस्त है। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर? 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जेल जाएंगे और इनकी संपत्ति की पूरी जांच। तो हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।